गाइस ये कुर्ता कैसा लग रहा है आपको बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। क्या लगता है भैया, मिल जाएगा कुछ? कलेक्शन तो लग रहा है, देख लो फिर सबका। हाय बोलो। हाय। बोलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? मैं तो उठ गया हूँ, आप लोग उठ गए हो? बोलो। मैं तो मम्मा की गोदी आ रहा हूँ, अपनी मम्मा की गोदी गोदी। गिव मी किस, गुड बॉय। मम्मा भी। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और मैं और प्रहान भी बहुत बढ़िया है। अभी हम उठ गए हैं दोनों, है ना। अब प्रहान भी काफ़ी जल्दी उठ जाता है, मतलब काफ़ी जल्दी नहीं पर मेरे साथ उठ जाता है। तो अभी मैं जाती हूँ बगल में, है ना, मम्मी के पास, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, और फिर मिलूँगी आपसे। आज दिन भर में क्या होता है, डे की शुरुआत अभी कर ली है मैंने, और आगे आगे देखो फिर कैसा कैसा रहता है। आजकल तो हमारे दिन बहुत बिजी जा रहे हैं, कल भी हम काफ़ी बिजी थे, काफ़ी काम था घर में, और भैया का घर रेडी करवा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी छोटा मोटा सामान है, फिर यहाँ भी जो चीज़ें छूट गई हैं, जो काम नहीं हुआ है, और बगल में भी, तो अपने तीनों घरों में हम सारा काम ठीक करवा रहे हैं, जो भी छूट रखा है ना, क्योंकि वो होता है ना, मिस्त्री आ रहा है, तो सबके काम हो जा रहे हैं एक साथ, तो बस यही सब चल रहा है। तो आज देखते हैं क्या होता है। और ये शीशा भी मैं ज़रा जाऊँगी उस शॉप के पास, अगर वो रिटर्न करके मुझे दूसरा देगा तो वो तो बहुत अच्छा है, और इनकेस नहीं देगा तो कुछ पैसे तो मैं उससे वापस लेके ही आऊँगी, क्योंकि थोड़ा तो ब्रेक है ही वो, तो भी चलती हूँ मैं। बना रही हूँ मेथी के पराठे, और प्रहान देखो बाहर पार्किंग में झाड़ू मार रहा है अपने दादू के साथ। और मैं मेथी के पराठे बना रही हूँ सबके लिए। आज मैंने फोल्ड हुआ रखा। अभी हम आए हैं भैया के कपड़े रिसीव करने, क्योंकि भैया ने दे रखे हैं सिलवाने के लिए, तो अभी देखते हैं। बड़ा लग रहा हो तो नहीं, पहनो तो छोटा लोग तो काटता है वो। ये ले रहे हो किसके साथ के? जुत्ती शेरवानी की। और मैं सोच रही हूँ प्रकाश को आने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए भी कुछ देख लेती हूँ। अभी सिर्फ देखती हूँ इनकेस मुझे पसंद आता है या नहीं आता है, इस हिसाब से मैं कहीं और से मंगवा लूँगी फिर कुछ, क्योंकि मेरे पास मेहंदी के लिए मैंने थोड़ा सा आइडिया ले रखा। हाँ भैया, वो भी लेनी है क्या? रुमाल ले आना, और रुमाल नहीं दे सकता उसके साथ फ्री है, बॉक्स वगैरह सब ले लो। हम सोच रहे हैं प्रकाश के लिए भी कुछ देख लेते हैं, है ना, मेहंदी और शादी के लिए। शादी का तो मार्केट से ही लेना पड़ेगा, पर मेहंदी का मैंने ऑनलाइन भी कुछ देखा है, तो अगर मुझे नहीं पसंद आएगा तो मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी। आई नहीं अभी प्रकाश के लिए, देखो कुछ पहले मेहंदी के लिए देखो कुछ। हाँ देखो, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा खास। हाँ भैया, अभी मैंने प्रकाश के लिए बोला है निकालने को कुछ, देखते हैं हमें क्या पसंद आता है। ये तो घर पे है ना, अपनी मेहंदी में भी तो यही पहना था उसने। भूल गए क्या आप? आपने उसको दादा बना रखा था, यही तो था वो। मेहंदी वाला कोई दूसरा था। अरे नहीं, इंडो वेस्टर्न में दिखा दो, इंडो वेस्टर्न कुछ अच्छा सा दिखाओ मुझे। कुर्ता अभी चलेगा मेरे को भैया, जैसे कुर्ते भी चल रहे हैं भैया।
कुर्ते भी चल रहे हैं आजकल कश्मीरी पैटर्न में, ऐसे वर्क आ रहा है उनपे, वो बहुत सुंदर से लग रहे हैं, वो हैवी वर्क है कुर्तों पे। गाइस ये प्रकाश की मेहंदी का कुर्ता है, इसी शॉप से लिया था, ये कुर्ता अभी तक चल रहा है। तो बताओ ये क्या लेने, ये तो घर में पड़े है ना, ये सेम सबूत है। क्या लगता है भैया मिल जाएगा कुछ? कलेक्शन तो लग रहा है, देख लो फिर मिलेगा। तो अमन वाला है यार पूरा। हाँ बस कलर दिख रहा है। हाँ। ये कैसा लग रहा भैया? ये भी बढ़िया है। निकालो तो मेरी नजर दूँ। से तो हो जाएगा बट सही ना। मेरी सही में सही लगा दूंगा आपको। कलर भी ठीक है, अच्छा है ना। वीडियो कॉल करो उसमें। ये भी नहीं, ये बेकार है। ये वाला भी पीछे वाला, ये वाला निकालो तो भैया। वो तो गया फिर था इधर देखो। नहीं भैया ये तो हल्का बेकार है। वो वाला दिखाओ, वो पीछे वाला सुंदर लग रहा है यार। हाँ ये भी सुंदर लग रहा है। उसका कलर एक्चुअल कलर नहीं आ रहा पर कैमरे पे। वहाँ पे हो ना भैया खड़े, मुझे दिखाओ। मैं आइडिया दूंगा किस टाइप का जाए, क्रीम करीम चलेगा, बढ़िया लगेगा। ये प्रकार बटन लगाओ तो उसका लुक तो बटन लगा के आ रहा है, जैसे वो इंडो वेस्टर्न लॉन्ग हो गया ना, वो उस पर अच्छा लगेगा क्योंकि वो लंबा है। ये उसी का पैटर्न शॉर्ट में है, मुझे सही है ना भैया? हाँ गाइस ये कुर्ता कैसा लग रहा है आपको बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है मेहंदी के लिए। प्रकाश हो गया दादा की तरह लगेगा इसमें। अरे इसकी फिटिंग करवा। भैया भैया सबके वो ट्रायल बने हुए हैं भैया, थक गए कपड़े पहन पहन के, क्योंकि भैया ही घर पे है ना अभी आ रहे के जल्दी, छुट्टी नहीं आए। गाइस ये कैसा लग रहा है प्रकाश के लिए आप बताना मुझे कमेंट में। सुंदर लगेगा वैसे ना। वीडियो कॉल करूं उसे एक मिनट पहले इनको। इस टाइप में ले रहा है बोल रहा, इस टाइप में कर, नहीं इसमें नहीं, इस टाइप में बोल रहा है कलर ना, इसमें इसमें ना आ जाएगा ये भैया, हमें मैं मैसेज कर देंगे। ये मुझे भी सुंदर लग रहा है मेहंदी के लिए ना ये कुर्ता। नाइस क्या गिफ्ट है फिर? शर्ट दी थी भैया शादी के बाद, ये वाली शादी के बाद आप आना भाभी के साथ पूरी फुल पार्टी है हमारी तरफ पक्की। अरे यार भैया कैसी बात है, क्या कह रहे हो? मैं वीडियो बना रहा, रिकॉर्ड रहेगा भाई चीज में। बिल्कुल। पार्टी कहाँ है वैसे? पार्टी कहाँ भैया बोले, कुमार पे बोलोगे, कुमार पे मोबाइल से लंच डिनर जो आप लेना चाहे। अरे यार कोहली में ले लो भैया, हमारे घर के पास है कोहली। कोहली में सुनो तो भैया कैसा लग रहा है इसमें वाला? सही गाइस भैया ने फ्राइड राइस मंगवाया है, पर इतना सारा कैसे खाएंगे हम? ठीक है पानी लो आप। हाय गाइस बैक होम फ्रॉम द मार्केट, और मैंने आज फिर से अपने लिए एक सूट लिया है। पता नहीं क्यों मैं आजकल सूट ले रही हूँ, है ना। और वैसे मैं सूट वगैरह ज़्यादा कुछ पहनती तो हूँ नहीं, पर पसंद आ गया तो ले लिया मैंने। मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ मैंने कैसा लिया है, फ़ोन ना गिरे मेरा वहाँ पर से। मतलब मेरे को देखते ही पसंद आ गया था, कुछ ऐसा है देखो, बस यहीं पर इसका वर्क है, बाद बाकी ये पूरा प्लेन है इसका बॉटम। हाँ
किसके जूते? और इसका बॉटम भी प्लेन है, तो चलते हैं इसको अभी सिलवा के लाते हैं। और वो कल का जो मिरर है मैंने सोचा मैं उसको रखूंगी, पर उससे कुछ 100-200 रुपए कम करवाऊंगी, है ना, क्योंकि उसमें डैमेज तो है ही, वो भले चाहे कैसा भी हो। और इसका ऐसा दुपट्टा है, और बन के देखते हैं ये सूट कैसा लगता है। इसका एक पिंक कलर भी था, बट मैंने पिंक नहीं लिया क्योंकि मतलब उसका बेस भी पिंक था, वैसे तो इसमें भी पिंक कलर है, बट भैया को यही पसंद आया तो इस बार मैंने भैया की चॉइस का ले लिया। और इसमें है बेबी के कपड़े, और न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े हैं, और काफ़ी क्यूट है। आपको मैं अभी क्या दिखाऊं, और वो न्यू बॉर्न बेबी किसका है वो भी आपको मैं कल या परसों जब जाऊंगी तो आपको बता दूंगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए, मेरे नए बच्चे की, मेरे प्यारे से बच्चे की, है ना। तो बस यही दो चीज़ें ली हैं मैंने, और भाई प्रकाश के लिए चीज़ें देखी, उनको तो वैसे ही कुछ पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने ज़्यादा कोई अपना सर दर्द नहीं किया उनके साथ, अब जब वो आएंगे तो ही करेंगे। और मेरे कुछ ब्लाउजेज़ हैं, अभी मैं उन्हें निकाल लेती हूँ और उन्हें सिलवाने चलते हैं, पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सुबह से भटक रही हूँ आज। चश्मा मेरा बगल में छूट गया था, लेके आई सर पे। तो मैंने आपको कहा था ना, वो मैं मिरर को एक्सचेंज करवाने गई थी, तो अभी वहाँ पे था नहीं, तो एक हफ्ते में वो लोग मंगवा देंगे तो एक्सचेंज हो जाएगा मिरर, क्योंकि थोड़ा पीछे से ना उसमें हल्के हल्के चिटके चिटके निकले हुए, तो क्यों रखना है वैसा, तो एक्सचेंज करने को मैंने बोल दिया है, अदरवाइज़ रिफ़ंड कर देंगे और जो भी हो जाएगा अगर सेम नहीं मिला तो। गाइस कल मिरर लेते टाइम वहाँ पे हमें वो मिले थे जिनके यहाँ से भैया का गोल्ड हमने बनवाया था, केजे ज्वेलर्स, तो उन्होंने जस्ट हमें ऐसे बोला था आप लोग आना ज़रा, उनके यहाँ कोई स्कीम वगैरह चल रही है ना, पानी ज़ीरो मेकिंग और ज़ीरो कुछ वेस्टेज वाली, तो बस उसी के लिए हम गए थे वहाँ पर, तो कॉफ़ी वगैरह पी, तो फिर साथ ही उन्होंने मुझे ये बियर मग गिफ्ट करे हैं, काफ़ी फैंसी से अच्छे हैं, है ना, और उन्होंने जस्ट ऐसी गिफ्ट दिया है मुझे, हाँ अच्छे हैं, ठीक है। तो बस ये लेके आए, उसके बाद बस अभी अपना क्या बोल रही थी, डिनर किया, और अपना ब्लाउज और सूट वगैरह मैं सिलवाने देने गई थी, वो सब करवा लिया। तो अभी कल से बगल वाले घर में तो पेंट करवा रहे हैं, क्योंकि वो वाइट, क्योंकि इधर तुम ज़्यादा रहे नहीं हैं तो यहाँ का पेंट ठीक है, वाइट ख़राब नहीं हो रहा, पर वहाँ का हमारा घर जैसे हमने एक एक ही वॉल पे कलर है ना, बाद बाकी हमने वाइट ही पेंट करवा रखा है, वाइट भी नहीं है पर ये कुछ अच्छा सा शाइनी टाइप का है, पर लगता वाइट ही है, तो वो है। तो बगल में वो काफ़ी गंदा हो रखा है क्योंकि काफ़ी यूज़ हुआ है, तो उसको हम पेंट करवा रहे हैं, तो कल से वहाँ पे काम शुरू है। तो बस अभी सोते हैं और कल फिर से उठना है, कल भी फिर से बहुत सारे काम है। तो अभी ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ, आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, तब तक ले बाय बाय, लव यू ऑल।